और एक ऊपर से ले लेंगे ताकि आपको भीड़ दिख जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका दोस्त इशफाक लोन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर सॉलिडरिटी डे मनाया जा रहा है और हिंदुस्तान के अंदर खासकर कश्मीर के अंदर आज यूनिटी डे मनाया जा रहा है। कुछ सेवलिन की तरफ से खासकर सोसाइटी लीडर जो यहाँ बिलाल चौहान जी हैं, आज उनकी तरफ से यहाँ पे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं खासकर इस बॉर्डर एरियाज में जो कि बिल्कुल पाकिस्तान के नज़दीक है। तो आज हम इनसे जानते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप यहाँ पे आए कि हमारे इस बड़े से इवेंट को, इस प्रोग्राम को कवर किया। हमारा यहाँ पे आने का मकसद यही था कि आज आप जानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान एक डे सेलिब्रेट कर रहा है जिसको उन्होंने नाम दिया कश्मीर सॉलिडरिटी डे। तो उनके 5 फेब सॉलिडरिटी डे का मतलब ये है कि वो अपनी हमदर्दी शो करना चाहते हैं टुवर्ड्स कश्मीर की तरफ। बट अगर उसको सही मायने में देखा जाए वो कोई सॉलिडरिटी डे नहीं है, बल्कि वो सिर्फ जो भी करना चाहते हैं वो सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड के लिए करना चाहते हैं, ना कि कश्मीरी के लिए, कश्मीरी कौम के लिए। जो कश्मीरी कौम है वो आज तक, जो कश्मीरी कौम है आज तक उन्होंने कत्लो गारत किया है हमारे नौजवानों को, इन द नेम ऑफ रिलीजन इस्लाम के नाम पे बहकाया है टुवर्ड्स वायलेंस, टुवर्ड्स टेररिज्म, इसकी तरफ बहकाया हुआ है। तो उनका यही मकसद है कि हमारी और जो पाकिस्तान का एक और है जो कश्मीर में वो ड्रग्स फैला रहे हैं और हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं और हमारी कश्मीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो आज हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद यही था। मेरे बहुत सारे नौजवान भाई यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं मेरे साथ, इन्होंने तावन किया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे आए हैं। और हमारा यही मकसद है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क को एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स दें और एक कड़ाकेदार रिस्पॉन्स दें और इनको ये बताएं कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा हिंदुस्तान एक है। और उनका जो प्रोपागंडा चल रहा है, और रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक वीडियो था जिसमें एक छोटा सा लड़का बॉर्डर पे बैठ के वो फ्लैग होस्टिंग कर रहा है ऐसे ऐसे, तो किसी ने उसको ट्विटर पे डाला हुआ है, उस वीडियो को डाला हुआ है कि पाकिस्तान में अमन है और जो हिंदुस्तान है उसमें लोग हैं वो बंदिशों में बंधे हुए हैं और उनको जो है हमारी जो फोर्सेज है, जो इंडियन आर्मी है, वो टॉर्चर कर रही है। तो इन चीज़ों को सामने लाने के लिए आज ये मेरे सभी नौजवान भाई मेरे साथ जमा होकर यहाँ पे इस चीज़ को एक्सपोज करना चाहते हैं कि हम जो है सबसे ज़्यादा पीस और अमन में रह रहे हैं। 370 हटने के बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमन है। और इससे पहले अगर देखा जाए 370 से पहले उनका जो कारखाना चलता था, जो उनका बिजनेस चलता था, दैट वाज थ्रू सेपरेटिज्म। वो सेपरेटिज्म वो अब ख़त्म हो चुके हैं। और वो जो स्टोन पेल्टिंग है 370 के बाद वो आज तक हमें दिखाई कश्मीर में देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ तक कि अब वो you know the